गुड मॉर्निंग माई लवली व्यूअर्स, तो बिहार ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और आगे आगे आप इस वीडियो में देखोगे कि हम पूरा दिन कैसा स्पेंड करने वाले हैं और सब कुछ कैसे जाने वाले। तो अभी तो डेली रूटीन है फिलहाल और शाम को डिसाइड होगा कि आज हम कहाँ जाएंगे और सारी डिटेल्स मैं आप सबको दूंगी। सो प्लीज़ बने रहना पूरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने लंच कर लिया है और वो भी मस्ती कर रहा है, लंच कर रहा है और उसका प्ले टाइम है अभी, वो तेजस के साथ खेल रहा है। और हो गई है शाम और मासी आरती कर रही है और आरती के बाद हम निकलने वाले हैं मुजफ्फरपुर बिहार के डिज्नीलैंड मेले में, जो कि बहुत फेमस मेला है हमारे यूपी बिहार का। और अभी तो फिलहाल गोरखपुर में भी ये लगा हुआ है, तो लास्ट वीडियो शायद मैंने इस पे बनाया था गोरखपुर का ही, तो ये बहुत ही अच्छा फेट लगता है गाइस, इसमें इतनी सारी बेस्ट डील्स मिल जाती है ना। ₹20 टिकट है, तो ये टिकट घर था ₹20 की टिकट से है। और चलिए अंदर मेरे साथ, आपको बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें दिखाने वाली हूँ मैं। और अगर आपके टाउन में डिज्नीलैंड मेला लगा है तो आप ज़रूर जाएं और बहुत ही अच्छा टाइम पास हो जाता है, बहुत ही मज़ा आता है। और देखो शुरू शुरू में हर डिज्नीलैंड में ना ये सारी चीज़ें तो ज़रूर मिलती हैं खाने वाली देखने को, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाते हो। ये ₹80 का है, वो बहुत अच्छा है, आपको गर्मी लगेगी तो आप ऐसे कर सकते हो। हाँ 90s 250। मौसी कौन देगा? अच्छी अच्छी है ना, प्रिंट्स अच्छे हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कलर। वो हम लोग जो कल कुर्ती देखे थे उसके जैसा लग रहा। ये तो अच्छा है। 150 के प्लाजोज हैं, ये देखो कितने सारे कलर हैं इसमें, पता नहीं मटेरियल के वाइज कैसा है, फिक्स रेट। कितने के ये बैंगल्स? 20 का जोड़ा। अच्छा लग रहा है ना, कुछ आंटी है। तो आप देख रहे हो ना, इस मार्केट में एक से एक चीज़ें मिल रही है। मुझे गौ माता लेना था वो मैंने लिया और एंटीक पीसेस भी बहुत सारे हैं। और अगर आप अपने होम डेकोर के आइटम्स ढूंढते हो तो स्पेशली वो सारी भी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे देखने को। इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी ना, मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ से उठाई है और स्पेशली ये गौ माता, क्योंकि मुझे ये काफ़ी टाइम से लेना था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी तो मैंने ये लिया। और ये मुझे मिल गया था 350 या 400 ऐसे में मिला था। आप बार्गेनिंग भी अच्छा खासा इस मार्केट में करा सकते हो। बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे शॉप्स मिलेंगी, बैंगल्स, ज्वेलरी, फुटवेयर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अभी आप कपड़े शुरू में मैंने दिखाए ही हैं, खाने पीने के भी स्टॉल्स बहुत सारे हैं, बच्चों के स्विंग्स हैं, चूड़ियों के कलेक्शंस बहुत ही प्यारे आते हैं ऐसे मेलों में, ऐसा जो भी फेट लगता है, क्योंकि वहाँ पर वराइटीज़ होती हैं। तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी बट मैंने कुछ लिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे बैंगल्स के कलेक्शन हैं। तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि अगर ऐसा मेला लगता है आपकी टाउन में तो प्लीज़ ज़्यादा स्किप मत करना, बहुत ही मज़ा आने वाला है और काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती है आपको। 200-250 के ये फुटवेयर्स हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे ज्वेलरी बॉक्सेस भी हैं, ज्वेलरीज हैं, रिंग्स वगैरह भी हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के।
अचार, पापड़, वरियाँ जो हम सब्जियों में डालते हैं, और बच्चों के चॉकलेट्स इस तरह के शेप्स वाले जो कि बहुत फंकी लगते हैं और बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बट जो लोकल मार्केट में हम लेते हैं ना वहाँ से 10-20 रुपए इनके रेट्स थोड़े हाई होते हैं, बट चलता है। बल्क में आपको देखने को सारी चीज़ें मिल जाती, एक से एक स्टॉल मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इस पर मैं टमाटर और बैंगन पकाती हूँ। अच्छा है, कितना क्यूट है, 100 रुपये का। और स्प्राउट से बहुत अच्छा होता है, 140 का है और ये 120 का, 180 का और ये 180 का, बैग नंबर 40। ये बाल्टी कितनी छोटी सी है और ये स्टैंड बहुत अच्छा है, ग्लास स्टैंड। ये बाल्टी कितने की है छोटी वाली, इसमें क्या होता है खाना ना परोसने के लिए। ब्रशेस कितने के जी? ब्रश कितने का? कौन सा? ये वाला। ओ, 200 रुपए। कौन से करना है? इंक और कॉस्मेटिक में दोनों लगाना है। और खाने पीने का आपका जितना भी दाग होगा उसमें एक छोटा वाला का जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा कितनी सारे वैरायटीज थे स्टॉल्स के, झूलों के, बच्चों के, बड़ों के। और अभी खाने पीने की चीज़ मैं दिखा रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज से लेके चाट, पानी पूरी, हर एक चीज़ बहुत ही रीजनेबल प्राइस में होती है। बट आप खाना नहीं, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे गर्मी है और ये लोग सुबह का बना के रखते हैं, तो मुझे कुछ सही नहीं लगता है, पेट वेट भी ख़राब हो सकता है आपका। आई मीन गर्मियाँ हैं तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसे एंटरटेनिंग स्टफ़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।